अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक नत नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के असीम कृपा से आज भागवत जी का भोग है। परम पूज्य चाचा जी महाराज की पुण्यतिथि है। हरिओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाष्टनोहरि वक्रतुंड महाकाय शुरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुतकल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं सात साधि शरण त्रंबिकी गौरी नारायणी नमो नीलाम श्यामल कोमलांगम जय जय श्री राम। श्री श्यामा जो किशोरी मैया के चरणों में सप्रेम भेंट समर्पित है, सभी भाई बहन मिलकर योगदान करें। Oh,
करेगा। संभाषण संकुचित हो गया भाई बहन और बोला बाबा आप ठीक ही कहते हैं, अगर मैं से यहां से भी फेंक दूं बहुत ऊंचाई पर हूं, जहां भी गिरेगा मर ही जाएगा। नारद जी बोले नारायण नारायण मैं ये नहीं कहने आया, और अदृश्य हो गए। समरासन ने वहीं से बालक प्रद्युम्न को गिरा दिया, जलाशय में गिरे, एक मछली निकल गई और महात्मा जी ने पूरी कथा कामदेव महाराज की प्रथम प्रिया रति महारानी जो सत्यवती के रूप में प्रकट भी हो चुकी है उन्हें पूरी कथा सुनाकर समरासन की रसोई में नियुक्त कर दिया कि सेवा करो, सेवा से तुम्हारा संकट दूर होने वाला है। हम लोग तो पकौड़े खाके थाली को सरकाते आया, इससे भगवान शिव का त्रिनेत्र जागृत हो। जब शिव की सारी नयन उघारा सभी बहन है, पर इतना है कि आपका तालमेल अभी ठीक नहीं है और वहां कि तुम्हारी खुजली को भी मिटाएंगे तो आज जामवंत बहुत शर्मिंदा हुआ। बोले स्वामी जो मेरे हाथ मेरे प्रभु पर उठे हाथ टूट क्यों न जाए, जिन नेत्रों से शत्रु भाव से मैंने युद्ध किया कि नेत्र मेरे फूट जाए प्रभु, बहुत शर्मिंदा हुए चरण लंबी पड़ गई। बोले मैंने एक नाम सुना है आपका पतित पावन भगवान, पापी से पापी जीव भी अगर आपके शरणागत हो जाए आप उसे ही क्षमा कर दे। जय भगवान, जोर से बोलना पड़ेगा पूरे जोर से। तो पार नहीं छोड़ रहे हैं जामवंत, तो भगवान ने क्षमा कर दिया। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, अभी युद्ध कर रहा था और अभी क्षमा मांगने लग गया तो भगवान का भी सब क्रोध जाता रहा। मणि और जामवंत की दोनों को लेकर मथा टेक दिया। भगवान द्वारिका में आए और बड़ी धूमधाम से ब्राह्मण देव अग्नि देव वरुण देव और वेद मंत्रों से जामवंती जी के संग भगवान का विवाह हुआ। बोलो जामवंती श्री कृष्ण महाराज। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये कलंक भगवान को क्यों लगा। बोले भैया भगवान ने एक दिन चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में जो कलंक चौक आती है उसको श्राप लगा हुआ है गणेश भगवान,
आज भी अगर कोई देख ले तो उससे निर्दोष कलंक लग जाता है। बोलो जय बाबा। बोले महाराज चतुर्थी तो बहुत आती है साल में, लगभग हर महीना में आती है चतुर्थी, ये भाद्रपद मास वाली चतुर्थी में ऐसा क्या है? बोले इस चतुर्थी के चंद्रमा को श्राप दे दिया था गणेश भगवान। माताओं के पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं टिकता, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया कि माताओं के पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं टिकेगा। और चंद्रमा जी को गणेश भगवान ने श्राप दिया, प्रभु ने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया इसलिए निर्दोष कलंक लगा और प्रभु ने उसे निष्प्रभाव कर दिया। बोलो राधे राधे। मणि राजा सत्यराजित को दे दी, सत्यराजित बहुत शर्मिंदा हुआ कि भाई मैंने निर्दोष ही श्री कृष्ण को कलंक लगा दिया। एक बात बताऊं, चुगली लगाने वाले पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये मैं आपको पूछना चाहता हूं, चुगली वाले आगे रहें या न रहें? हाँ या ना? लो जी बहने लाई कर रहे हैं। जुगल किशोर जी महाराज का जुगल जोड़ी सरकार लाडली लाल जय जय श्री
अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली माला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली माला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, अच्युतम् केशवम् रामनारायणम् अष्टदा